हे गाइस वेलकम टू मी ट्रैवल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, वैसे तो ये वीडियो मैंने डालनी नहीं थी, इससे पहले मैंने एक ट्रैवल की वीडियो डालनी थी। एरोप्लेन आ रहा है तो मेरे को पॉज करना पड़ेगा। हे गाइस वेलकम टू मी ट्रैवल्स। तो पहले तो मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी मैंने ट्रैवल की वीडियो डालनी थी। हे गाइस वेलकम टू मी ट्रैवल्स। तो एक बात मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले शेयर करना चाहूँगा कि इस टाइम पे भी मैंने ट्रैवल की एक वीडियो डालनी थी, बट फिर मैंने सोचा कि जो अभी मैं इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगा वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करनी, तो इसलिए मैंने प्री वर्कआउट की अभी ये वीडियो बनाई। तो जिसे ये नहीं पता प्री वर्कआउट क्या होता है, प्री वर्कआउट एक किस्म से बस एक ब्लेंड होता है काफ़ी सारे सब्सटेंसेस का जो वर्कआउट से पहले आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा एनहांस करता है। तो करंटली जो मैं प्री वर्कआउट यूज़ कर रहा था गाइस वो था ये मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट 200। इसमें आपको 200 mg कैफीन और 2200 L-सिट्रलिन मिल जाता है, और ये प्री वर्कआउट मेरे लिए बहुत ही अच्छा वर्क किया। सारा कुछ मतलब जो एक प्री वर्कआउट को करना चाहिए वही इसने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। सारा अच्छा सा पंप आ रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। और उस टाइम पर ना मैं वे प्रोटीन ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा जो पिछला वे प्रोटीन था सिंथा 6 वो ख़त्म हो गया था। तो मेरे को वे प्रोटीन तो उस टाइम कोई दिखा नहीं, बट मेरे को एक ही GNC की अल्ट्रा रश पे सेल दिखी, तो मैंने एक अल्ट्रा रश मैंने बोला एक बार ट्राई कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास अभी भी ये पूरा भरा पड़ा है, लेकिन इस पर काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा था, तो मैंने बोला एक बार GNC का ये अल्ट्रा रश ट्राई कर लेते हैं। तो गैस जब मैंने परचेज़ किया तो एक बात मैंने नोटिस की कि इस पर कोई रिव्यूज़ नहीं थे जिस साइट से मैं देख रहा था, और यूट्यूब पे भी शायद इसके ऊपर सिर्फ 2 ही रिव्यूज़ थे। उसमें से भी रिव्यू नहीं कहूँगा एक को, मैं एक में सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू सिर्फ आपको बताई थी कि इसमें क्या क्या, और वो बस वीडियो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बोला एक बार ये ट्राई कर लेते हैं, उम्मीद हो एक अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज 1935 से GNC एक कंपनी है जो मार्केट में 1935 से है ये GNC। तो मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर था कि यार प्रोडक्ट तो अच्छा ही होएगा, असली नकली की कोई टेंशन नहीं थी। जिस साइड से मैं मंगवाता हूँ उससे अभी तक मैं शायद 1 साल से सप्लीमेंट्स मंगवा रहा हूँ, 1 साल या 2 साल हो गए मेरे ख्याल, और हमेशा मेरे को ओरिजिनल सप्लीमेंट ही मिला, तो उसकी ज़्यादा टेंशन होती नहीं थी। तो गाइस जब ये प्रोडक्ट आया, जो मैंने इसकी फर्स्ट चीज़ नोटिस की, जब मैंने इसकी लिड खोली गाइस, इसका ये जो ये देखो यहाँ से पूरी इसकी पैकेजिंग यहाँ से फट गई थी, और मैंने ये पेस्ट की क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो पैकेजिंग देखे थोड़ा सा मैं डिसपॉइंट हुआ, क्योंकि गाइस ये जो मसल ब्लेज वाला प्री वर्कआउट है ये शायद इससे हाफ भी क्या, मतलब क्या बताऊँ, जितने का ही एक आया उतने में आप शायद ये 4-5 परचेज़ कर सकते हो, और इसकी पैकेजिंग इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी का थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार एक ऐसी सी इन्होंने पैकेजिंग की है, चलो पैकेजिंग को भी अगर छोड़ दो, हमें तो मेन प्री वर्कआउट से मतलब होता है। तो जब मैंने सोचा चलो प्री वर्कआउट अब ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया। तो ये गाइस एक पॉलीथीन टाइप में आता है, पॉलीथीन से आपने उसमें डालना होता है, क्या कहते हैं, इस कंटेनर के अंदर। तो पहले मैंने बोला एक बार हाफ कूप ट्राई कर लेते हैं, पॉलीथिन के अंदर ही मैंने हाफ कूप ट्राई किया। और जो मेरा मसल ब्लेज वाला प्री वर्कआउट है वो किक इन होने में अराउंड कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट में वो किक हो जाता है, और काफ़ी अच्छा पंप सब कुछ बढ़िया सा आता है। इससे किक होने में गाइस मैंने बोला कि अभी 15 मिनट हो गए, नहीं हुआ, 30 मिनट हो गए, घंटा हो गया, ये गाइस प्री वर्कआउट किक ही नहीं हुआ। और एक बात मैं बता दूं कि मैं प्री वर्कआउट कोई ज़्यादा रेगुलर नहीं लेता, मैं महीने में 3-4 बार मैक्सिमम ले लेता हूं। मैं ज़्यादा ये प्री वर्कआउट लेना किसी को भी नहीं कहता कि ज़्यादा लो, बिकॉज इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं गाइस। अगर एक बार आपने इन्हें लेना कॉन्टीन्यूसली शुरू कर दिया तो इनके बगैर आप वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और अगर आप ये ले रहे हो तो शायद लेग डे वाले दिन लो, क्योंकि लेग डे थोड़ा सा टफ होता है, और उस दिन आपको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी और उस परफॉर्मेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लेग डे वाले दिन प्रेफर करो, या बैक वाले दिन प्रेफर करो। बाइसेप ट्राइसेप्स वाले दिन कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं होती है सारे प्री वर्कआउट्स लेने की। तो गाइस फिर हो गया जितना भी, 1 घंटा हो गया और ये कुछ काम नहीं किया। मतलब मैंने बोला कि शायद जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुए होंगे, तो मैंने इस कंटेनर में सारा वो पॉलीथीन से लेके इसके अंदर डाल दिया। और फिर कुछ दिन बाद मैंने बोला चलो अब दोबारा से ट्राई करते हैं, और दोबारा से मैंने ट्राई किया। फिर पूरा स्कूप लिया, इस बार मैंने पूरा स्कूप मैंने लिया। मैंने बोला अब किक इन होना चाहिए, क्योंकि एक इसका जो स्कूप है गैस वो 15 ग्राम का है, और उसके अंदर आपको 300 mg कैफीन मिलता है, 1.5 ग्राम बेटाइलेनिन मिलता है, और आई गैस 3 ग्राम क्रिएटिन, गैस 3 ग्राम क्रिएटिन भी मिलता है। तो मैंने बोला अब तो कुछ ना कुछ पंप आना चाहिए। फिर 1 घंटा ऐसे ही हो गया, कोई पंप नहीं आया। और मैं उस टाइम इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था ना गाइज, मैंने बोला क्या प्रोडक्ट है। मैंने सोचा कि शायद प्रोडक्ट इस बार नकली ना हुआ हो, तो मैंने इसका जो स्क्रैच वाला कोड होता है वो सारा चेक किया। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वो सारा जो कोड आपको दिखाएगा प्रोडक्ट असली है, बिल्कुल सेम एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग जो भी है सारी बिल्कुल सेम है। और जीएनसी की ओरिजिनल साइट पे मैंने प्रोडक्ट चेक किया था, आप भी देख सकते हो। तो जब प्रोडक्ट असली है, मैंने इतनी बार यूज़ कर लिया इसे, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैं उस टाइम पे थोड़ा सा यार था कि यार क्या हो गया, लेकिन मैं उस टाइम इतना वो नहीं था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लूँ कि ये प्रोडक्ट आपको नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जब मैंने दूसरा स्कूप लिया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक फुल स्कूप लिया, उसके जैसे ही मैं उसके बाद वर्कआउट किया मैंने घंटे बाद, जब कुछ किक इन नहीं हुआ वर्कआउट करने के बाद गए, शायद 2 घंटे बाद जब मैं अपना काम कर रहा था, इतने गंदे गाइस इसके साइड इफ़ेक्ट्स मेरे को हुए, मतलब हार्ट में मेरे पेन होने लगी और डायरेक्टली वो 5 आवर्स तक कॉन्टीन्यूसली चली। अब ऐसा नहीं है मैं प्री वर्कआउट्स के लिए कोई मतलब नया हूँ, प्री वर्कआउट्स को लेके मैंने पहले भी काफ़ी सारे प्री वर्कआउट्स लिए हैं, C4 ट्राई किया मैंने, MuscleBlaze के काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, GNC एक नया था जो, और GNC का गाइस ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जो मैंने ट्राई किया। और डाइजेशन में भी गाइस ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देता है प्री वर्कआउट। मैंने इससे रिलेटेड GNC को काफ़ी ज़्यादा मेल्स लिखी, अराउंड 3 to 4 मेल्स मैंने लिखी थी GNC को, और 6 दिन हो गए उनका कोई रिप्लाई नहीं आया कि। और मैंने GNC US को भी मेल लिखी तो उनका एक रिप्लाई आया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप GNC के स्टोर पर रिटर्न कर सकते हो US में किसी में भी। अब मैं US में तो रहता नहीं, तो अब मैं रिटर्न तो इसे कर नहीं सकता। इंडिया वालों का कोई रिप्लाई नहीं आया उनका, ऑल्दो साइट पे सेम पॉलिसी थी कि आप रिटर्न कर सकते हो, बट मेरे को कोई ऑप्शन उसमें नज़र नहीं आ रहा। और मैं उनसे डायरेक्टली पूछ रहा हूँ इतने टाइम से कि कैसे रिटर्न है, क्या सीन है इसका, क्या पॉलिसी है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मैंने बोला यार अब कोई किसी ने प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि देखने में तो नो डाउट अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका लेबल पढ़ो, लेबल में भी आपको साइट पे दिखाऊंगा, लेबल के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट है, लेकिन जब आप एक्चुअल में यूज़ करते हो तो आपको कुछ फील ही नहीं होता। तो एक किस्म से पैसे वेस्ट करने वाली बात है इस प्री वर्कआउट को लेना। मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप में से कोई जिम जाता है, आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई बच्चा या कोई भी जिम जाता है, तो उसे अगर प्री वर्कआउट लेना है और वो अब बाई चांस ये कुछ ले ले ऐसा सा, और वो ना कोई काम करे, ऊपर से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो वो चीज़ काफ़ी गलत होगी गाइस। और कस्टमर सपोर्ट कुछ है ही नहीं इसके बारे में। तो मैंने सोचा एक बार इस पर वीडियो बना लेनी चाहिए, क्योंकि और कोई यूट्यूब पे खास इसके ऊपर वीडियो नहीं थी। एक बात और गाइस मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इस पर लिखा हुआ है GNC AMP, यहाँ पर गाइस लिखा है AMP, साइड पर भी लिखा है AMP। तो गाइस इसके अंदर AMP नहीं है, जिसे पता है AMP क्या होता है तो दूर ही रहो AMP से। जिसे नहीं पता AMP क्या होता है उनके लिए एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक किस्म का होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है गाइस, आपकी जो बॉडी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती रहती है। अब क्रिएटिन होता है वो ATP देता है, लेकिन ये ATP से भी ज़्यादा एनर्जी देता है, तो जितना दूर रहो उससे अच्छा है। AMP वैसे भी अगर आप ओरली कंज्यूम करो तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तो इसके अंदर वैसे AMP नहीं है, लेकिन कई प्री वर्कआउट्स आते हैं उनके अंदर AMP आता है, तो उन्हें आप ज़रूर अवॉइड करो और उनकी पहले जो लिस्ट होती है गैस उसमें चेक करो। शायद एक आधा कोई अगर मैंने प्री वर्कआउट देखा होगा जिसके अंदर AMP है, तो मैं उसकी भी फ़ोटो भी साइड पे लिंक में डाल दूँगा, उसे प्लीज़ अवॉइड करो। जितना मर्जी अच्छा पंप है, अगर आपके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं या कुछ भी आपकी बॉडी पर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं गैस, तो उस प्रोडक्ट का मेरे ख्याल कोई फ़ायदा नहीं है कंज्यूम करने का। तो गैस ये वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप सबको थोड़ा सा इस बारे में बता दूं मैं। तो अगर आपको ये गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको प्री वर्कआउट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो वो मेरे साथ पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो हम ऑफकोर्स ट्रैवल की डालेंगे, काफ़ी टाइम हो गया हमने कोई ट्रैवल नहीं किया और एक ट्रैवल की वीडियो बनती है। और गैस जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है अभी तक उसे मैं दिल से थैंक यू कहूँगा, और जिसने नहीं किया आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं आ रही। टिल देन गैस, राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय।